एनएससी का ये डेटा है, आप देख सकते हैं एनएससी में निफ्टी के लगातार डाउनफॉल के बाद भी टाटा मोटर्स, एनटीपीसी और मारुति सुजुकी ने ये जो क्लोजिंग आई है ये क्लोजिंग इन्होंने ग्रीन पे दी है। और जहाँ पे एनटीपीसी लगातार 5 दिन से ये जो है वो ग्रीन में क्लोज हो रहा है, तो आज हम लोग टाटा मोटर की बात करेंगे, टाटा मोटर्स के चार्ट की एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे टाटा मोटर्स के चार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं। हम लोग टाटा मोटर्स का ये चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है और टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट की अगर हम लोग एनालिसिस करें कि टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टाटा मोटर्स की जो क्लोजिंग आई थी वो 3 रुपए के आसपास ये बंद हुआ था, 3 रुपए की बढ़त के साथ ये बंद हुआ था। तो अगर हम लोग इसका टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट देख लें, तो ये वीकली चार्ट के अंदर टाटा मोटर्स कॉन्टिन्यूसली एक चैनल में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे टाटा मोटर्स में एक ब्रेकआउट लोगों को देखने को मिला था जो कि वीकली चार्ट पे था, तो वो ट्रेंड का ब्रेकआउट था। ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एक ट्रेंड डेवलप हुआ था टाटा मोटर्स के चार्ट के अंदर, ये आप देख पा रहे हो, ये ट्रेंड डेवलप हुआ था और कॉन्टिन्यूसली यहाँ से फिर रिजेक्शन वाली कैंडल वाली बनी है वीकली चार्ट के अंदर। ये आप देख पा रहे होंगे ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल है और ये कॉन्टिन्यूसली क्लोज कर रहा है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि टाटा पावर में जो ट्रेंड का एक क्लियर ब्रेकआउट में मिल चुका है। तो टाटा पावर में अब जो हमारे टारगेट होंगे, तो टाटा पावर को यहाँ हम लोग बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 414 रुपये के आसपास का रहेगा और 400 435 रुपये अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली अगर ये मूव देता है, ये दोबारा से ग्रीन कैंडल बना देता है, तो पहला हमारा जो टारगेट है वो 461 का टारगेट और दूसरा जो टारगेट है वो 490 के आसपास का जो टारगेट हमें मिल सकता है और तीसरा जो टारगेट है 516 का टारगेट हमें मिल सकता है। और अगर ये 516 को क्रॉस करके आगे बढ़ता है तो हम लोग इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते हुए हमें इसे आगे के टारगेट इस शेयर में हमें मिल सकते हैं। टाटा पावर अभी कॉन्टिन्यूसली टाटा पावर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये देखिए, ये शेयर मई 2020 में मात्र 82 रुपये के आसपास का था और अभी ये 435 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके वीकली चार्ट का जो सपोर्ट है वो 379 के आसपास का क्लियर सपोर्ट है और इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट भी कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। अपना ये जो सपोर्ट लेवल है इसका, इस सपोर्ट लेवल पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सपोर्ट लेवल है 368 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। तो इस कॉन्टिन्यूसली इस लेवल का सपोर्ट इसको मिल रहा है, तो इस 368 के सपोर्ट के साथ हम इसमें कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और इसमें एक लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड हमें मिल सकता है, जिसकी जो टारगेट मैं बता चुका हूँ, पहला टारगेट 461, दूसरा टारगेट 493 और तीसरा टारगेट लगभग 525 रुपये के आसपास, 525 के आसपास टाटा मोटर्स में टारगेट मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि निफ्टी कॉन्टिन्यूसली डाउनफॉल में है। निफ्टी पहले 18,000 को टच करने के बाद फिर से दोबारा से 17,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और निफ्टी का जो चार्ट है वो ये कह रहा है कि निफ्टी अभी और नीचे जाने की उम्मीद है। तो हो सकता है टाटा पावर उसमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाए, लेकिन चूंकि ये ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम इसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ी अवधि के लिए, जिसमें हम इसको 500 के ऊपर के टारगेट इसमें मिल सकते हैं, 435 का करंट भाव का ये शेयर है। अगर ये वीडियो एनालिसिस आपको समझ में आती है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी चार्ट के एनालिसिस का आप पार्ट बनेंगे तो आपको डेफिनेटली चार्ट समझ में आने लगेंगे और आप एक अच्छे ट्रेड ले सकते हैं अपने आप चार्ट्स को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद।